हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना, जिसके लिए हमारे पास ये ब्रोकेट का कपड़ा है। ये देखिए, ये बैक और फ्रंट तो बाजू सब इसी में से निकलेंगे। ये टोटल हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ देखेंगे। तो यहाँ से हमें 42 इंच की कुर्ती रेडी करनी है। कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है हमने। ऊपर से जितना एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है। अब यहाँ से 7 इंच पर हम अपना शोल्डर ले लेंगे, 7 इंच पर हम अपने आर्म होल ले लेंगे यहाँ से, और इसको हम और जितना भी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने लिया है 12 इंच पे। अब यहाँ से 8 इंच नीचे कमर के लिए निशान लगाएंगे, 13 इंच नीचे हम हिप के लिए निशान लगाएंगे, और कमर का भी चौथा हिस्सा और उसमें भी 2 इंच ज़्यादा, हिप का भी चौथा हिस्सा और उसमें भी हम 2 इंच ज़्यादा, लेकिन तीनों को मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। अभी हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ से हम इसमें गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो पहले फ्रंट की कटिंग करनी है, यानी फ्रंट आर्म होल की, और फिर इसको नीचे तक कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास हो गए दोनों पल्ले एक साथ, क्योंकि हमने कपड़े को 4 फोल्ड में करके रखा था। अब हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर देंगे। अब हम अस्तर लेंगे और अस्तर को इस तरीके से रख के इससे लगभग 4 इंच ऊंचा रखेंगे अस्तर को, और कटिंग कर देंगे। इसको नीचे तक मिला देंगे। बीच से कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसको कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा दोनों पार्ट कटिंग अस्तर के साथ। अब हम इसकी बाजू कटिंग कर लेंगे। तो हमें बाजू में इस तरीके से इसे कट करना है। बॉर्डर को हमने अलग कर लिया है पहले। अब हम इसकी लंबाई देखेंगे, क्योंकि अगर हम बॉर्डर को अलग नहीं कर रहे हैं तो बाजू की चौड़ाई छोटी पड़ रही है कपड़े की, तो इसीलिए हमने बॉर्डर को अलग, क्योंकि बॉर्डर तो नीचे से कम लगेगा, चौड़ाई ऊपर से हमें लगभग 10 इंच चाहिएगी। तो बस इसको ऐसे मोड़ लेंगे और बस दोनों को एक साथ ही रख लेंगे। कटिंग सेम करेंगे, खुली वाली साइड से 3 इंच डाउन करके, और यहाँ से हम ऐसे बाजू की गोलाई दे देंगे। जितनी फिटिंग है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग कर लीजिए। तो हम यहाँ से 8 इंच ले रहे हैं यहाँ से, और यहाँ तक इसको नीचे तक मिला देंगे, कटिंग कर देंगे। तो हमारी अस्तर वाली कुर्ती कट के रेडी हो जाएगी। आप इसी तरीके से कटिंग कर सकती हैं। इसको कट कर लेंगे जैसे ड्राफ्टिंग कर रखी है, और मैंने 1 इंच चढ़ा के रखा है ताकि हम इसे सिलने के लिए मार्जिन रख सकें इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए।